मुरादाबाद जनपद का प्रशासन लगातार ग्राम समाज की जमीनों पर किए गए कब्जे को मुक्त करने के लिए अभियान चला रहा है और बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। मकसद सिर्फ यही है कि ग्राम समाज की जमीन पर जो कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को मुक्त कराया जाए, वहां उसे जमीन पर विकास कार्य कराए जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जनपद मुरादाबाद की सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर काम किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत अगवानपुर नगर पंचायत में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे की सूचना जिला प्रशासन को लगातार मिल रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने टीम बनाकर एक बड़ी कार्रवाई की है और ग्राम समाज की जमीन पर पहुंचकर पैमाइश की कार्रवाई करने के साथ ये कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश पर काम किया जा रहा है। यहाँ की सभी पैमाइश के कार्य को करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी, जिसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत अगवानपुर के टेम्पो स्टैंड के पास हुई इस पैमाइश के कार्य को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम को स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम का ये कहना था कि जिला प्रशासन के आदेश पर आज हम यहाँ पैमाइश करने पहुंचे हैं, अन्य स्थानों पर भी पैमाइश की जा रही है। उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास हो और जो ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जे किए गए हैं उन कब्जों को मुक्त कराया जाए। वहीं स्थानीय नागरिकों का भी यही कहना है कि जहां पैमाइश करने प्रशासन की टीम पहुंची वहां कब्रिस्तान की जमीन है, इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है और हमारा इससे भी है। मुरादाबाद नगर पंचायत अगवानपुर की गाटा संख्या 548 और 549 पर अवैध कब्जे की शिकायत पर पैमाइश को पहुंची टीम को क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान नगर पंचायत अगवानपुर की टीम के द्वारा जमीन की पैमाइश की गई। नगर पंचायत अगवानपुर के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि पैमाइश की कार्रवाई पूरी होने के बाद वहां पर विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे। हालांकि पैमाइश के दौरान कुछ लोगों ने उस जमीन को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए अपना विरोध भी जाहिर किया, मगर प्रशासन की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में पैमाइश का कार्य पूरा कराया गया और पैमाइश की जाँच पड़ताल के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही विकास कार्य भी तेजी से होंगे। नगर पंचायत अगवानपुर जनपद मुरादाबाद के ग्राम समाज की भूमि एवं गाटा संख्या 549 रकबा 0.223 हेक्टेयर पर कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अस्थायी कब्जा कर रखा है, जिससे आवागमन में आमजन को परेशानी हो रही है। नगर पंचायत की सरकारी संपत्ति की क्षति हो रही है। इस शिकायत पर नगर पंचायत अगवानपुर और प्रशासन की टीम गाटा संख्या 548 और 549 की पैमाइश के लिए राजस्व टीम के साथ पहुंची, पैमाइश का काम किया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए प्रशासन की टीम का कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज हम यहां जमीनों की पैमाइश करने पहुंचे हैं, यहां की रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी जाएगी। सर आज ये कहां पहुंचे हैं और क्या मामला है पूरा? ये जो है हमें आदेश हुआ है तहसील से कि गाटा संख्या 549 और 548 का पैमाइश करने के संबंध में। तो क्या आपको यहाँ पे शिकायत मिली, क्या है? शिकायत नहीं, हमें आदेश मिला है। अच्छा, तो मतलब आज जमीन की नपाई की है आपने? दो गाटों की है। अच्छा। 548 और 549 की। तो ये जमीन ग्राम समाज की है क्या? एक ग्राम समाज है, 549 और 548 कब्रिस्तान। हाँ, तो आज आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है सर? यहाँ पैमाइश की है, मौका उठाया, कितना रकबे में है ये। अच्छा, अब आगे क्या प्रक्रिया होगी सर? अपनी रिपोर्ट देंगे अधिकारियों। इस सारे नागरिकों का ये भी कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है और यहाँ मुकदमा भी चल रहा है, ऐसे में यहाँ की जमीन की पैमाइश की जा रही है जो पूरी तरह से गलत है। क्या नाम है आपका? हाजी इफ्तखार कुरैशी। जी सर, क्या मामला है बताइए। मामला ये हमारे कब्रिस्तान है। अच्छा। इस कब्रिस्तान में पहले भी चेयरमैन आए तो उनसे मुकदमा चल गया आज हमारा। पहले भी कई बार उन्होंने नपवाने की कोशिश करी थी, आज ये दबंग लोग चेयरमैन बन जाते हैं हमारे अगवानपुर में। हम छोटी बिरादरी के आदमी हैं, लिहाज ये है कि चेयरमैन साहब और यो साहब मिल के ये सारे लोग आन के आज हमारा कब्रिस्तान नापा। इन्होंने कहा था 549 नपे की, 549 तो नपी नहीं और ये हमारे 548 कब्रिस्तान नाप रहे हैं। आपका क्या कहना है, ये जो जमीन नाप रहे हैं? नहीं, ये गलत नाप रहे हैं ना, हमारे तो मुकदमा अदालत में है, हमने स्टे दे दिया, हमारी स्टे भी ना मानी गई, तो हम अब अदालत से गुहार लगाएंगे अपनी। मतलब ये जो नपाई हो रही है कब्रिस्तान गलत कर रहे हैं ना, इन्हें क्या हक है नापने का? हमारा जब हमारा कब्रिस्तान में मुकदमा चल रहा है तो इन्हें क्या हक है? अदालत आदेश करे इसका नापने का।